हेलो पीपल, कैसे हो आप लोग? दिल का दोस्त और आपका होस्ट मैं आपका अंशु। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। एंड फिर से मैं आप लोग तो जान चुके होंगे, देख चुके होंगे मेरा पिछला व्लॉग जो मेरा टेस्ट राइड था एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट का, उसका ही एक वॉकअराउंड वीडियो आज मैं लेके आया हूँ। तो चलिए इसका वॉकअराउंड स्टार्ट करते हैं। एंड पीपल, दिस इज़ द माइटी बीस्ट टाइगर 800 XRX 2018 version. Let me introduce to you. And पहले इसका इंजन से मैं स्टार्ट करता हूँ। इसका इंजन है लिक्विड कूल 12 वाल्व DOHC इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन। एंड इस इंजन का कैपेसिटी है 800 cc। एंड इस खूबसूरत ब्यूटी और बीस्ट का जो मैक्सिमम पावर है वो है 95 PS at the rate of 9250 RPM and maximum torque hai 878 Nm at 7950 RPM. and iska jo system hai people wo hai multi point sequential electronic fuel injection system hai. and people iska gearbox and people iska thoda chassis ke bare mein jaan lete hai. iska jo swing arm hai wo hai twin sided cast aluminum alloy. फ्रंट व्हील्स जो कास्ट एल्यूमिनियम एलॉय है वो 10 spoke 19x2.5 inch आयन। एंड रियर व्हील्स जो है कास्ट एल्यूमिनियम एलॉय 10 spoke 17x4.25 in. एंड इसका जो फ्रंट टायर है वो 100x90 एंड 19। एंड जो रियर टायर है वो 150x70 R17 है। एंड पीपल, टाइगर का जो फ्रंट सस्पेंशन है नया वाला टाइगर का वो है सुआ 43 mm अपसाइड डाउन फॉर्क्स 180 mm ट्रैवल। एंड जो रियर सस्पेंशन है वो है सुआ मोनोशॉक विथ हाइड्रोलिक एडजस्टेबल प्रीलोड 170 mm रियर व्हील ट्रैवल। एंड नया वाला टाइगर का जो फ्रंट ब्रेक है वो है ट्विन 308 mm फ्लोटिंग डिस्क निशान 2 पिस्टन स्लाइड का कैलिपर्स स्विचेबल ABS के साथ आ रहा है। और रेयर जो ब्रेक है वो सिंगल 255 mm डिस्क निशिन की सिंगल पिस्टन स्लाइडिंग कैलिपर स्विचेबल ABS के साथ आ रहा है। इसका ब्रेकिंग जैसे कि मैं बता चुका हूँ बहुत 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 ही बढ़िया है और इसके ABS बहुत ही बढ़िया है। एंड नया वाला टाइगर का जो बहुत बहुत अट्रैक्टिव जो जगह है वो है इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। और इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर ICD मल्टी फंक्शनल इंस्ट्रूमेंटल पैक विद डिजिटल स्पीडोमीटर ट्रिप कंप्यूटर एनालॉग टेक्नोमीटर गियर पोजीशन इंडिकेटर फ्यूल गज सर्विस इंडिकेटर एम्बिएंट टेम्परेचर 3 राइडर मोड रोड ऑफ रोड राइडर कॉन्फिगरेबल एंड क्लॉक के साथ आ रहा है। इतना कुछ आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिख जाएगा। तो जो जॉयस्टिक मैं दिखाया था पिछले टेस्ट ड्राइव में उस जॉयस्टिक से आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड पीपल, इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है वो थोड़ा सुन लीजिए, उसको थोड़ा एंजॉय कर लीजिए, फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। एंड पीपल, टाइगर 800 फैमिली जो मोटरसाइकिल्स है उसका 3 वेरिएंट आ रहा है। टाइगर 800 XR 800 XRX जो इस तरह का मैं रिव्यू और वॉकअराउंड कर रहा हूँ। और सबसे हाई एंड वाला जो मॉडल है वो है टाइगर 800 XCX। एंड पीपल, थोड़ा डायमेंशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं नया वाला टाइगर में। विथ हैंडल बार्स जो है वो 795 mm है। हाइट विदाउट मिरर जो है वो 1350 mm है। सीट हाइट है 810 to 830 mm
wheelbase है 1530 mm and dry weight इसका जो आ रहा है वो है 201 kg जो पिछले वाला टाइगर से थोड़ा हल्का हुआ है. पिछले वाला टाइगर मोर और लेस 210 kg था. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. एंड इसका जो फ्यूल कैपेसिटी है टैंक कैपेसिटी है वो है 19 लीटर. नया वाला टाइगर का जो फ्यूल इकोनॉमी है वो कॉन्स्टेंट स्पीड में आप अगर 56 to 90 km/h में चलाओगे तो आप हाईएस्ट 28 km/h भी पा सकते हो. और कॉन्स्टेंट स्पीड अगर 75 to 120 km/h में अगर चलाओगे तो आपको लगभग 20 km/h मिल जाएगा. तो पीपल मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में. और मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए क्योंकि मैं आगे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आने वाला हूँ. एंड राइड हैट राइड सेफ एंड एजी फिल्म्स आउट. और मेरा ये टाइगर का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे ज़रूर बताइए. Sometimes when you're here, I can't feel no doubt.